अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 48, 64, 72 एंड 96 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है, जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में बिल्कुल नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि हमारे पास हो गया 2, 3, 5, 7 और ये फिर इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, और हमें हमेशा 2 से स्टार्ट लेना होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो, तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें तकरीबन सारी ऐसी वैल्यूज नज़र आ रही हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर है, तो सारी ही वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इन सबको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 48। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 24। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, हम इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर से हमारे पास लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि फिर से ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। फिर से इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 64। 64 के भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे, और 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। फिर से हमारे पास इवन वैल्यू आई है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो इसे हम फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास, और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 बिल्कुल आता है 1 पे। 64 को भी हमने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है, और ये आ चुके हैं हमारे पास 64 के तमाम प्राइम फैक्टर्स। सॉरी, ये आ चुके हैं हमारे पास 64 के तमाम प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमारे पास है 72। लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास, और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 36। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से ही डिवाइड करेंगे इसे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 1 पे आता है। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, और ये फिर से बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और 3 से हमें पता है कि 9 बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। लास्ट वैल्यू हमारे पास 96। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इस वैल्यू को 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। जो बन हमारे पास रिमाइंडर वो चला गया 6 के पास, और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 48। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 8 आता है 4 पे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 4 आता है 2 पे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 को यहाँ हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 96 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को हम वन बाय वन कुछ इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई, काउंट कर लेते हैं कितने 2 है, 1, 2, 3, 4, और लास्ट में हमारे पास है 1 बार 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 64 के प्राइम फैक्टर्स, उनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो उनको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। फिर अब हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स,
इसमें हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री एंड मल्टीप्लाई बाई थ्री। उसके बाद लास्ट में हम लिख लेते हैं 96 के प्राइम फैक्टर्स, जिनमें हैं हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू। काउंट कर लेते हैं यहाँ पे भी कितने टू थे, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, और लास्ट में एक बार है हमारे पास यहाँ थ्री। अब करनी है हमें इनकी पेयरिंग, हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि इन चारों में मौजूद है, जिनका चारों में पेयर बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि टू देखिए चारों में मौजूद है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। एक और टू का हमें यहाँ पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसका भी पेयर बन गया, इसको भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें यहाँ एक और टू का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका भी हमने पेयर बना लिया और ये भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या हमें मज़ीद चारों में कोई ऐसा नंबर है जो नज़र आ रहा है। थ्री देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, यानी कि अब हम चारों में पेयरिंग नहीं कर सकते। जब हम चारों में पेयरिंग नहीं कर सकते तो हम तीन में चेक करेंगे कि क्या हम तीन में पेयरिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम जब एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम तीन में और दो में भी पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पेयरिंग कर दी है, इस टू की तीन में मौजूद है तो हमने इसकी पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद इसे हम यहाँ एक बार लिख लेंगे। उसके अलावा हमें ये थ्री भी नज़र आ रहा है, देखिए ये थ्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में है, इसकी हमने पेयरिंग कर दी है। पेयरिंग करने के बाद ये भी बाहर आ गया है और इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब हमारे पास देखेंगे कि मज़ीद कोई तीन में पेयरिंग हो सकती है, अब हमें मज़ीद तीन में भी कोई पेयरिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो अब हम चेक करेंगे कि हम दो में भी पेयरिंग कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा हमें प्राइम फैक्टर नज़र आ रहा है जो कि दो में सेम हो, जैसे हमें ये टू नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब हमें मज़ीद कोई भी पेयर बनता हुआ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो लास्ट में जो हमारे रिमेनिंग फैक्टर रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बना, उनको भी हमने लास्ट में एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, जिनमें टू और एक है थ्री। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48, 64, 72 एंड 96 का। तो चलिए जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48। 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 96। 96 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 96 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 टाइम 6 इज 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 टाइम 9 इज 18 प्लस 1 19, 192 आ गया। 192 को लास्ट में हमें एक और बार 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 9 इज 27 का 7 2 कैरी, 3 टाइम 1 इज 3 प्लस 2 5। मीन्स हमारे पास ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है, जो कि है 576। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।